किसी भी सोसाइटी के लिए, समाज के लोगों के लिए कोई भी एक अच्छी चीज जो आप देना चाहें, तो आप उन्हें एजुकेशन दे सकते हैं, पढ़ाई दे सकते हैं, वहाँ के लोगों को अनपढ़ से एजुकेटेड बना सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वहाँ की सरकार या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें कुछ दे ना दे, उनके लिए सोचे या ना सोचे, लेकिन धीरे धीरे खुद वहाँ के लोग क्या करेंगे, अपने लिए सहूलियत जुटा लेंगे, अपने लिए एक सभ्य समाज का निर्माण कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन। अगर लोग एजुकेटेड होंगे फिर आपको उन्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर सरकार लोगों को अनएजुकेटेड रखती है, अनपढ़ रखती है या अनपढ़ बनाती है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि वहाँ के लोग अपनी सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे, और जब सवाल नहीं करेंगे तो जो सरकार का कंट्रोल है लोगों पर वो बढ़ जाएगा, वो अपने आप कंट्रोल कर लेंगे उन लोगों को, क्योंकि फिर वो आदमी नहीं होंगे, वो भेड़ों का एक झुंड होंगे जिसे किसी भी तरह हाका जा सकता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बात की थी कि किस तरीके से देश की यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट करने के लिए पहला कदम सरकार ने बढ़ा लिया है। किसी भी यूनिवर्सिटी का हक होता है कि सरकार उस यूनिवर्सिटी की ग्रांट उसे दे। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी की का खर्चा साल में 200 करोड़ है, 150 करोड़ है, 300 करोड़ है, तो उतना पैसा सरकार यूनिवर्सिटी को देती है कि यूनिवर्सिटी अच्छे से बच्चों को उसमें पढ़ाए और वहाँ से स्किलफुल हमारी यंगर जनरेशन निकले जो देश के लिए कुछ ना कुछ करे। ये एक उसका हक होता है यूनिवर्सिटी का। लेकिन अब सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट नहीं, लोन देना शुरू कर दिया है। और लोन और ग्रांट में फ़र्क इतना होता है कि लोन एक कर्ज है जिसे यूनिवर्सिटी को बाद में सरकार को चुकाना होगा। अब यूनिवर्सिटी के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होता नहीं है, तो यूनिवर्सिटी चुकाएगी कहाँ से? तो कुछ सालों बाद सरकार ये कहेगी कि आप तो हमारे ऊपर एक बोझ हैं, इसलिए हम आपको आपका ये जो लोन है कर्ज है और नहीं दे सकते। तो यूनिवर्सिटी करेगी क्या? तो सरकार यूनिवर्सिटीज को बेच देगी। मैंने पूरे डिटेल्ड में उस वीडियो में बात की है, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको वो देखनी चाहिए। खैर छोड़िए, यहाँ तक भी अगर हम कहें कि ये एक्सेप्टेबल है, हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि सरकार यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेट कर रही है, वहाँ पर टीचर स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ या टीचिंग स्टाफ प्राइवेट होगा, लेकिन शिक्षा दी जाएगी, यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब जो सरकार करने जा रही है वो ऐसा काम करने जा रही है जिससे आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी, और शायद आने वाले समय में जब आप पर अत्याचार हो, आपका शोषण हो, आपको लूटा जाएगा, तो सरकार ये कहेगी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप न तो सरकार के पास जा सकते हैं और ना ही कोर्ट में जा सकते हैं। कहने का मतलब है या तो आप उनसे लूट लीजिएगा या फिर आप अपने बच्चों को अनपढ़ रख लीजिएगा। एक बार बता देता हूं कि किस तरीके से अब आपके ऊपर नया अत्याचार, नया शोषण, या मैं कहूं नई गुलामी की बेड़ियां डाली जा रही हैं। अब हो क्या रहा है? मान लीजिए आज के दिन किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ भी गलत हो रहा है, किसी भी कॉलेज में कुछ भी गलत हो रहा है, तो आप वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हैं। अगर वो ना सुने, अगर वो खुद ही इसमें लिप्त हैं, अगर वही कॉलेज के साथ लिप्त हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप लोगों के साथ दबाव बना सकते हैं उस कॉलेज के ऊपर, या सरकारी तंत्र के साथ दबाव बना सकते हैं, सरकार के पास जा सकते हैं कि ये कॉलेज हमारे साथ ये गलत कर रहा है, आप इसमें इंटरवीन कीजिए और हमें न्याय दिलाइए। अगर सरकार भी आपकी बात नहीं सुन रही है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट आपके फेवर में जवाब देगा ही देगा, आपका साथ देगा ही देगा कि ये बच्चों के फ्यूचर का मामला है, आप इसमें बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, इसीलिए आप जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है कोर्ट आपको न्याय देगा। लेकिन अब जो सरकार करने जा रही है, या मैं कहूँ सरकार करवा रही है, तो वो ये कि आपके पास ये रास्ते बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, जो पूरे देश के कॉलेजेस के लिए, या मैं कहूँ यूनिवर्सिटीज की एक हेड
एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां से सब कुछ नियम कायदे कानून बनते हैं कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, तो उस यूजीसी ने फैसला लिया है कि अब जो कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वो अपने लेवल पर अपने कॉलेज की अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए फीस तय कर सकते हैं। इससे होगा क्या? और यही नहीं, आपको इसके साथ साथ बता दूं कि फीस वो तय करने के साथ साथ अपनी एग्जाम का पैटर्न, अपनी परीक्षा का पैटर्न भी वो खुद तय कर सकते हैं। इससे होगा ये कि पहली बार, जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया, पिन कमेंट जो लिंक किया गया है उसमें आप देखेंगे कि देश की सभी यूनिवर्सिटीज को धीरे धीरे प्राइवेट किया जाएगा। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बाद अब वो अपने आप अपने यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की फीस तय करेंगे। मान लीजिए आपका बच्चा किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है, पढ़ रहा है, और उसकी फीस 5,000 रुपये, 10,000 रुपये है। अगर कल को वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज आपके बच्चे की फीस 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये कर देता है, तो आप किसके पास जाएंगे? आप सरकार के पास जा नहीं सकते, आप कोर्ट के पास जा नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी तब तक प्राइवेट हो चुकी होगी और यूजीसी ने नियम बना दिया है कि कॉलेज अपने आप फीस तय करेंगे, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप सोच रहे हैं ये क्या चल रहा है? किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये न्यूज नहीं मिलेगी, कहीं पर भी आपको इसके बारे में कोई भी चूं तक की भी खबर नहीं मिलेगी और सब चीजों पर बात होगी। कल को अगर आपके बच्चे को फाइनल ईयर के एग्जाम देने के लिए कॉलेज ये कहता है कि आपको 1,00,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो आप कहीं पर जाकर गुहार नहीं लगा सकते कि हमें लूटा जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे बच्चों को अनपढ़ बनाने की कोशिश हो रही है। यूजीसी के पास जाएंगे तो वो ये कहेगी कि कॉलेज तो नियम के हिसाब से चल रहा है, ये नियम हमने काफी साल पहले बना दिया था। सरकार के पास आप जा नहीं सकते, क्यों? सरकार भी कहेगी नियम कायदे कानून के हिसाब से हैं, और कोर्ट तो नियमों का पालन करने के लिए ही बनी है। तो होगा क्या? तो यही होगा कि या तो आप अपनी दुकान मकान बेचकर अपने बच्चे के लिए वो 1,00,000 रुपये दे दें ताकि वो फाइनल ईयर का एग्जाम दे दे और उसके हाथ में डिग्री आ जाए, या फिर आप अपने बच्चों को अनपढ़ रखिए। इसके साथ साथ कॉलेज परीक्षा का, एग्जाम का पैटर्न भी खुद तय करेंगे, किस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा, किस तरीके से नहीं लिया जाएगा। अगर कॉलेज ने बड़ा मुश्किल एग्जाम सेट कर दिया और पास होने के लिए भी पैसे देने लगे, लाखों रुपए लगने लगे, डिग्री देने के लिए अगर उसने 20,000-50,000 रुपए मांग लिए, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आप मेरी बात पर हंस कर टाल दें कि ऐसे थोड़ी कॉलेज मांग सकता है, तो यकीन मानिए वो मांगेगा और आपको देने भी पड़ेंगे, और अगर नहीं देने होंगे तो आप तैयार रहिए अपने बच्चों को अनपढ़ रखने के लिए, क्योंकि नियम कानून के बाहर ना तो सरकार जा सकती है और ना ही कोर्ट जा सकती है, और यूजीसी ने अभी यही नियम बनाया है, सिर्फ कॉलेजेस को नैक एक्रेडिटेड करवाना है अपने कॉलेज को, अपनी यूनिवर्सिटी को, और अगर वो नैक एक्रेडिटेड है तो वो अपने हिसाब से फीस लेंगे। क्या कोई भी कंट्रोल है प्राइवेट स्कूल जो फीस लेते हैं उसके ऊपर? नहीं है। सीबीएसई थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर लेती है, लेकिन जब कोरोना के समय में जब स्कूल बंद थे तब भी स्कूलों ने फीस ली थी और कोई कुछ नहीं कर पाया था। यही अब कॉलेजेस करेंगे, और 5,000 की जगह 50,000 या फिर 1,00,000 रुपये जब आप फीस देंगे तो आप कहीं पर भी गुहार नहीं लगा पाएंगे। या तो अनपढ़ रखिए या फिर उस फीस को दीजिए। कहने का मतलब है कि पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए होगी और जनता को अनपढ़ रखा जाएगा, और जब अनपढ़ रखा जाएगा तो क्या होगा? जब अनपढ़ रखा जाएगा तो फिर आप सवाल करने लायक नहीं होंगे, अगली पीढ़ी सवाल करने लायक नहीं होगी सरकार से, और जब वो सवाल नहीं करेगी तो सरकार पर कंट्रोल बड़े अच्छे से, सरकार उन पर कंट्रोल बड़े अच्छे से कर सकती है, और शायद यही सरकार चाहती है, क्योंकि वो भेड़ के उस झुंड की तरह होंगे जिन्हें किसी भी तरह हाका जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है। शायद आप भूल गए होंगे, हमारी याददाश्त कमजोर है, लेकिन अंग्रेजों ने भी इस देश में यही किया था। जब अंग्रेज भारत आए तो इस देश के हर गांव में, लगभग हर गांव में गुरुकुल थे, तो उन्होंने गुरुकुल को नष्ट किया, लोगों को अनपढ़ बनाया, जब एक और दो पीढ़ी अनपढ़ हो गई तो उनके ऊपर पूरा कंट्रोल हुआ था। भारत तभी गुलाम हुआ था, उससे पहले भारत गुलाम नहीं हुआ था, वो लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था।
धीरे धीरे जब वो अनपढ़ हुए तो अंग्रेज कानून इधर से कानून ले आए और कानून के तहत भारतीयों को गुलाम बनाया। अनपढ़ सोचे कि ये तो कानून के तहत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और हुआ यही, भारत गुलाम हो गया। और अब भी यही चल रहा है, लोगों को ये जो है अनपढ़ बनाया जा रहा है, देश की यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट किया जा रहा है, और जो कॉलेजेस बाकी बचे हैं वो अपनी फीस अपने आप तय करेंगे, 5,000 की बजाय 1 लाख 5 लाख रुपए लेंगे। तो कहाँ से पढ़ाएगा गरीब? आने वाली पीढ़ी अनएजुकेटेड होगी, अनपढ़ होगी, और सरकार जब सवाल जनता नहीं करेगी तो उन पर अपने आप कंट्रोल की जाएगी। अब आप कहेंगे हम कर ही क्या सकते हैं? अगर आप अपने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो यकीन मानिए आप सच में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये नियम बन रहा है, लेकिन एक बार अगर ये नियम बन गया तो उसके बाद आप शायद कुछ भी ना कर पाए। जब तक ये नियम बन रहा है, जब तक आवाज उठाइए, अपने नेताओं से पूछिए कि ये क्यों नियम बनाए जा रहे हैं, और अगर ये बनाए जा रहे हैं तो इनका विरोध क्यों नहीं हो रहा है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में क्यों नहीं आपकी तरफ से आवाज उठाई जा रही है? मुझे लगता है कि इनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी अनपढ़ न हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी गुलाम न हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे कहने की जरूरत है कि आपको इसको शेयर करना चाहिए, क्योंकि यह आपके बच्चे की गुलामी से दूर करने के लिए शायद कुछ न कुछ योगदान कर दे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय।